वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। वही वेद ना, एकलपति व्यवस्था करते हैं, नेता ही घूमने देते हैं ऐसे। आपको आपको गलत फहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए। ब्यूरोक्रेसी हमारी चप्पल उठाती है, उमा भारती का ये बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है। विवाद जब हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो उमा भारती ने सफाई दी और कहा, जब सत्ता होती है तो प्रशासनिक अधिकारी नौकर की तरह आगे पीछे घूमते हैं। उमा भारती ने कई ट्वीट किए और लालू यादव का किस्सा भी सुनाया। उमा भारती ने लिखा है, साल 2000 में जब मैं केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पर्यटन मंत्री थी, तब बिहार में वहां की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू यादव जी के साथ मेरा पटना में बोध गया हेलीकॉप्टर से जाने का दौरा हुआ। हेलीकॉप्टर में हमारे सामने की सीट पर बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी बैठे थे। लालू यादव जी ने मेरे ही सामने अपने पीक दान में थूका और उस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के हाथ में थमा कर उसको खिड़की के बगल में नीचे रखने के लिए कहा और उस अधिकारी ने ऐसा ही किया। उमा भारती ने आगे लिखा है कि इसीलिए 2005-06 में जब मुझे बिहार का प्रभारी बनाया गया और बिहार के पिछड़ेपन के साथ मैंने पीक दान को भी मुद्दा बना दिया और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि आज आप इनका पीक दान उठाते हो, कल हमारा भी उठाना पड़ेगा। अपनी गरिमा को ध्यान में रखो और पीक दान की जगह फाइल और कलम दान से चलो। उन्होंने आगे लिखा, आगे चलकर बिहार की सत्ता पलट गई, मैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद लौटी। मध्य प्रदेश में गौरजी मुख्यमंत्री थे और उस वक्त मेरे घर पर लगभग सभी अधिकारियों की भीड़ लगी रहती थी, मुझे इससे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। बिहार से आते ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, गौरजी भी हट गए थे। जैसे ही पावर ख़त्म हुई, मध्य प्रदेश में किसी रेस्ट हाउस में कमरा मिलना भी मुश्किल हो गया था। प्रशासनिक अधिकारी तो मेरी छाया से भागने लगे थे। मेरे लिए तो ये हंसी और अचरज की बात थी, मेरे पार्टी से बाहर निकाले जाते ही अधिकारियों की रंगत ही बदल गई थी। उमा भारती ने अपने एक ट्वीट में पीएम मोदी का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा, ये फैसला देश के सभी राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स को करना होगा कि वो शासन के अधिकारी, कर्मचारी और जनता के सेवक या किसी राजनीतिक दल के घरेलू नौकर। क्या आपने कभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से ऐसी बात सुनी है? उन्होंने तो पहले गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर देश में प्रधानमंत्री के तौर पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग और उपयोग से देश को कई बड़े संकटों से उबारा है। ब्यूरोक्रेसी विवाद पर घिरी उमा भारती ने सफाई भी दी है और किस्से भी सुनाए और अधिकारियों को नेताओं की जी हुजूरी न करने की हिदायत भी दी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।